हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एनीवन कैन कुक विद रीता। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पालक पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे सिलेक्ट ऑल कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब देख लेते हैं कैसे बनाएं पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे पालक के पत्ते ले लिए हैं। इसके मोटे डंठल को हमने अलग कर लिया है और इसे बहुत अच्छे से धो लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे ले ली है 250 ग्राम पनीर, इसे हमने क्यूब्स में कट करके ले लिए हैं। दो बड़े साइज के प्याज एकदम बारीक कटे हुए, एक मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, दो से तीन हरी मिर्च बारीक कटे हुए, एकदम बारीक कटा हुआ अदरक, एक चम्मच कसूरी मेथी और बारीक कटे हुए 10 से 12 लहसुन। पालक पनीर बनाने का सबसे पहला स्टेप है पालक की पत्तों को ब्लांच करना। इसके लिए हमने पानी गैस पे चढ़ा दिया था, उसमें बॉयल आ गया है। अब पालक के पत्तों को हम उबलते हुए पानी में डालेंगे। इससे बस 1.5 से 2 मिनट तक हम पानी में बॉयल होने देंगे। किसी भी सब्जी के ब्लांचिंग के लिए सब्जी को पहले खौलते हुए पानी में डालना पड़ता है, फिर उसे निकाल के ठंडे पानी में डालना पड़ता है। इस प्रोसेस से सब्जी का कलर और न्यूट्रिएंट दोनों ही बरकरार रहता है। 2 मिनट हो चुका है, अब हम पालक के पत्तों को पानी से निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे फ्रिज का चिल्ड पानी लिया हुआ है। अब पालक के पत्तों को गर्म पानी से निकाल के इसे चिल्ड पानी में डालेंगे। पालक बिल्कुल ठंडा हो चुका है, पहले की तरह इसका ग्रीन कलर बिल्कुल मेंटेन्ड है। अब पालक के पत्तों को पानी में से निकाल के मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा स्क्वीज करने की ज़रूरत नहीं है। इसे पीस के हम इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए पेस्ट का कलर कितना ग्रीन है। पालक पनीर बनाने के लिए हमने पैन गैस पे चढ़ा रखा है। पैन अभी गर्म है, इसमें हम 1 से 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसी के साथ 2 टेबलस्पून बटर भी ऐड करेंगे। बटर से बना हुआ पालक पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बटर बस थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, हम इसमें ऐड करेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 लौंग और 1 छोटी इलायची। इसके छिलके को हम थोड़ा खोल के इसमें ऐड करेंगे। 30 सेकंड के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे सॉटे करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ अदरक, कटा हुआ हरी मिर्च। इससे हम तब तक सॉटे करेंगे जब तक कि लहसुन का कलर हल्का ब्राउन ना हो जाए। पालक की आप कोई भी सब्जी बनाएं, लहसुन इसके लिए टेस्ट एनहांसर का काम करता है। लहसुन हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, इसी टाइप हम कटा हुआ प्याज इसके साथ ऐड करेंगे। इसके साथ अब हम सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसे अब ढक के 2 से 3 मिनट के लिए इसे सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। 3 मिनट हो चुका है, प्याज भी सॉफ्ट हो गया है। इसी टाइम हम कटा हुआ टमाटर इसके साथ ऐड करेंगे। अब इसके साथ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, थोड़ी सी हम लाल मिर्ची पाउडर यूज़ करेंगे क्योंकि हमने पहले से ही इसमें हरी मिर्च का यूज़ किया है। अब हम ढक्कन लगा के मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर बहुत अच्छे से गल चुका है, अब स्पैचुला की मदद से दबाते हुए इस तरीके से हम टमाटर को अच्छे से मैश कर लेंगे। इसी टाइम हम इसमें कसूरी मेथी को हाथ से अच्छे से क्रश करके इसमें डाल देंगे। हमने कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट कर लिया था ताकि ये इस तरीके से अच्छे से पाउडर बन जाए। पालक पनीर में कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। मसाला अब अच्छे से भुन चुका है, इसी टाइम हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे घर की मलाई ऐड की है, आप चाहें तो मार्केट वाला क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके साथ ऐड करेंगे पालक का पेस्ट और इसके साथ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। इसे आप कंटिन्यूसली चलाते हुए हाई फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक कुक करेंगे। पालक को बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पालक कुक होते हुए 1.5 मिनट हो चुका है,
इसी टाइम हम इसमें पनीर के क्यूब्स को ऐड कर देंगे। अब इसे हम ढक के बस 1 से 1.5 मिनट ही कुक करेंगे। आप अगर पतला ग्रेवी चाहते हैं तो इसी टाइम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। हमारी पालक पनीर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे रोटी, नान, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी से आप एक बार पालक पनीर बनाएंगे तो हमेशा इसी रेसिपी से ही पालक पनीर खाना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, इसी रेसिपी से एक बार पालक पनीर बनाएं। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।